नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरु जी में। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे पद्म सम्मान 2022 की। तो 2022 की बात करें तो कुल 128 व्यक्तियों को पद्म सम्मान प्रदान किए गए हैं, जिसमें 4 व्यक्तियों को पद्म विभूषण, 17 व्यक्तियों को पद्म भूषण और 107 व्यक्तियों को पद्म श्री सम्मान प्रदान किया गया है। 128 व्यक्तियों को जो सम्मान मिला है, इसमें 13 व्यक्तियों को मरणोपरांत यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। इन पुरस्कारों में महिलाओं की संख्या 34 है। तो चलिए अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की ऐसी हस्तियां जिनको पद्म सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो मध्य प्रदेश की 5 हस्तियों को पद्म सम्मान से सम्मानित किया गया है। इन पांचों हस्तियों को पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो चलिए अब हम इन 5 हस्तियों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस लिस्ट में हैं डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद मिश्रा। इनको मरणोपरांत पद्म श्री अवार्ड प्रदान किया गया है। चिकित्सा जगत के पितामह कहे जाने वाले भोपाल के डॉक्टर मिश्रा को मरणोपरांत पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। इनको चिकित्सा के क्षेत्र में पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। इन्होंने भोपाल गैस त्रासदी में के समय डॉक्टरी क्षेत्र में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सहयोग दिया था, इसलिए इन्हें पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसमें दूसरे नंबर पर शामिल हैं दुर्गा बाई ब्योम। इनको कला के क्षेत्र में पद्म श्री सम्मान प्रदान किया गया है। यह मंडला जिले के बरबसपुर गांव की निवासी हैं। यह 6 साल की उम्र में डिगना कला से परपूरित हो गई थी। इन्हें डिगना कला कहलाती है कि शादियों और फसल उत्सवों के दौरान घर की भीतरी व बाहरी दीवारों व फर्श पर ज्यामितीय पैटर्न चित्रित करने की एक रस्म होती है, जिसे डिगना कला कहा जाता है। और दुर्गाबाई ब्योम के द्वारा इस कला में एक सिद्ध हस्त हासिल है। अब इसमें तीसरा नाम आता है अर्जुन सिंह धुर्वे का। इनको कला के क्षेत्र में पद्म श्री सम्मान प्रदान किया गया है। यह डिंडोरी जिले के रहने वाले हैं। अर्जुन सिंह को बैगा नृत्य में महारत हासिल है। वह बैगा जनजाति के स्नातकोत्तर करने वाले पहले शख्स हैं। इसके अलावा 1993-94 में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इन्हें तुलसी सम्मान से भी विभूषित किया जा चुका है। मध्य प्रदेश की हस्तियों में चौथा नाम है राम सहाय पांडे का। राम सहाय पांडे को कला के क्षेत्र में पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। सागर जिले के मझधार पठा ग्राम में जन्मे राम सहाय पांडे को पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। पांडे जी को बुंदेलखंड के परंपरागत लोक नृत्य जो कि राई लोक नृत्य के लिए जाना जाता है। इन सब पुरस्कारों में पांचवा नाम आता है डॉक्टर अवध किशोर जड़िया का। इन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। प्रसिद्ध बुंदेली कवि डॉक्टर अवध किशोर जड़िया का जन्म हरपालपुर में हुआ था। डॉक्टर जड़िया ने बंदनीय बुंदेलखंड, उद्धव शतक, कारे कन्हाई के कान और विरागमाला जैसी कविताएं लिखी हैं। तो थैंक यू दोस्तों, यह वीडियो था हमारा पद्म अवार्ड 2022 के ऊपर। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यह आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे वीडियो को लाइक करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। वंदे मातरम।